गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे इन द क्लास, कक्षा में, यानी क्लासरूम के अंदर जिस चीज का प्रयोग होता है उसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं। उसको देखने मात्र से आपको पता पड़ जाएगा कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। BLACK BOARD, ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट। श्यामपट जो होता है ये सामने बना हुआ है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, ब्लैक बोर्ड। BOOK, बुक। बुक यानी किताब, जो पुस्तक होती है अपनी, जो किताब होती है उसको इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, बुक। बुक यानी किताब। उसके बाद CHAIR, चेयर। चेयर यानी कुर्सी, ये है कुर्सी। कुर्सी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, चेयर। TABLE, टेबल। टेबल यानी मेज। मेज जो है, मेज को इंग्लिश में टेबल क्या कहते हैं, इंग्लिश में टेबल। CHALK, चौक। चौक जो होता है इसको इंग्लिश में चौक। चौक यानी चौक। PENCIL, पेंसिल। पेंसिल यानी पेंसिल। पेंसिल को पेंसिल ही कहते हैं। PEN, पेन। पेन यानी कलम। कलम जो बनाई हुई है, कलम। पेन को हिंदी में कलम कहते हैं और कलम को इंग्लिश में पेन कहते हैं। ERASER, इरेजर। इरेजर यानी रबर। रबर जो होता है अपना, उसको इंग्लिश में इरेजर क्या कहते हैं, इरेजर। SHARPENER, शॉर्पनर। शॉर्पनर यानी कटर। कटर जो होता है उसको इंग्लिश में शॉर्पनर क्या कहते हैं, कटर को शॉर्पनर। GLOBE, ग्लोब। ग्लोब यानी ग्लोब। ग्लोब जो है उसको ग्लोब ही कहते हैं। यह अपने क्लास के अंदर इन इन चीज़ों का अपन अधिकतर उपयोग करते हैं। थैंक यू।